नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग मैचिंग में, स्ट्रिंग मैचिंग विथ फाइनाइट ऑटोमेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जनरली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम फाइनाइट ऑटोमेटा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे आपको फाइनाइट ऑटोमेटा तो पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ से थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेंगे। इसके बाद जो आपका स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है फाइनाइट ऑटोमेटा से, उसको हम देखेंगे। एक प्रॉब्लम को भी हम लाइव सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे काम कर रहा है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले मुझे जो पैटर्न और टेक्स्ट दिया होगा उस पर पैटर्न पे मुझे ऑटोमेटा मशीन एक बना के फिर फॉरवर्ड आगे चलना होता है। तो वन बाई वन हम स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। दिस स्ट्रिंग मैचिंग आर वेरी इफिशियंट टू एग्जामिन पैटर्न बाय एग्जामिन ईच टेक्स्ट करेक्टर एग्जैक्टली वंस, हेंस टाइम कम्प्लेक्सिटी इज एन। कहने का मतलब सिंपली है कि अभी तक जो हमने प्रीवियस दो लेक्चर देखा वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा जा रहा था, जिसमें नेव एल्गोरिथम देखें या रॉबिन कॉर्क एल्गोरिथम देखें। आज के लेक्चर में अगर हम देखना है इसमें, तो यहाँ पे बोला कि टाइम कम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम कितना जाएगा, बिग ओ एन। क्यों जाएगा? सपोज कीजिए टेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जो टेक्स्ट इसी टेक्स्ट में इस पैटर्न को फाइंड आउट करना है। तो इस टेक्स्ट में जितने नंबर ऑफ करेक्टर्स होंगे, हर करेक्टर को एग्जैक्टली एक बार ही एग्जामिन करता है ये, जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जब एक करेक्टर को एग्जैक्टली एक बार ही एग्जामिन करेगा इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए, देन ये कितने टाइम चलेगा, जितनी इसकी लेंथ होगी। अगर इसकी लेंथ n है तो नंबर ऑफ टाइम कितना चलेगा, n टाइम। ये नंबर ऑफ टाइम n चलेगा, जिसके लिए आपको टाइम कैपेसिटी कितना लेगा, बिग ओ n। कैसे लेगा उसको हम अभी आगे देखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा पहले समझ लेते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा आपका जनरली सेट ऑफ फाइव टपल्स होते हैं, जिसमें कैपिटल क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट और एफ, पांच टपल्स होते हैं। पांचों क्या क्या होते हैं आप देख लीजिए। क्यू, जो कैपिटल क्यू होता है सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा सेट ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब या तो जीरो वन अप टू नाइन इस फॉर्म में होगा, या फिर ए बी अप टू जेड फॉर्म में होगा, वही आपका सिग्मा हो गया। डेल्टा ट्रांजिशन मैपिंग है किसके किस बीच में है, आपका स्टेट एंड इनपुट सिंबल पे, ठीक। अभी वो कैसे ट्रांजिशन मैपिंग होगा अभी आपको अभी हम एग्जांपल से दिखाएंगे। क्यू नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, क्यू नॉट कैपिटल क्यू में बिलोंग करेगा, लेकिन इसको हम कहते हैं इनिशियल स्टेट। जो मशीन बनेगा उसका इनिशियल स्टेट। एंड कैपिटल एफ इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल क्यू, इज ए फाइनल स्टेट। मतलब किसी भी ऑटोमेटा में इनिशियल स्टेट केवल एक ही होगा, फाइनल स्टेट मोर देन वन फाइनल स्टेट हो सकते हैं, जिसको हम एक तरह सेट कर रहे हैं, सबसेट है कैपिटल क्यू का। फॉर एग्जांपल देखिएगा, सपोज एक मशीन हमने बनाया, एक जीरो स्टेट और एक वन स्टेट, दो स्टेट का मशीन है केवल, ठीक है। यहाँ सपोज हमने ट्रांजिशन किया, ए का ट्रांजिशन वन पे गया और बी का ट्रांजिशन हमने स्कूट पे लिया। ध्यान दीजिए, जो फाइनल स्टेट होता है उसको हम डबल सर्किस लेते हैं, इनिशियल स्टेट को एरो से शो करते हैं ऐसे। तो ये आपका इनिशियल स्टेट है, डबल सर्किल लगा है, मतलब क्या, वन है फाइनल स्टेट। ट्रांजिशन हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि ए जीरो से वन पे ए, और जीरो से जीरो पे खुद पे आया बी सिंबल, और वन से ए और बी दोनों आ रहा है जीरो पे, ठीक है, इस तरह का है। अब इसमें अगर हम देखें तो कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल क्यू मीन सेट ऑफ स्टेट। कितने स्टेट हैं, जीरो और वन, दो स्टेट हैं केवल, जिसको हम जीरो वन दो स्टेट है। सेट ऑफ अल्फाबेट सिग्मा, कौन कौन से अल्फाबेट इसमें यूज हुए, ए और बी दो ही यूज हुए। ट्रांजिशन मैपिंग क्या है, ये आपका जो डायग्राम दिया है ट्रांजिशन मैपिंग है। जैसे स्टेट जीरो से ए सिंबल आने पे किस पे गया, स्टेट वन पे, तो हम कह सकते हैं इसको डेल्टा जीरो, अगर ए सिंबल आता है देन हम किस पे जाएंगे, वन पे। मतलब डेल्टा जीरो, जीरो स्टेट से वन सिंबल आया तो वन पे गया। इसी तरीके से डेल्टा, अगर वन स्टेट से हम देखें, वन से अगर ए सिंबल आया
तो ए सिंबल आ रहा तो भी हम किस पे आ रहे हैं, जीरो पे। तो इस तरह से ट्रांजिशन हो जाएगा, ये ट्रांजिशन डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। क्यू नॉट, क्यू नॉट इज ए इनिशियल स्टेट, ध्यान दीजिए जो क्यू नॉट मीन्स इनिशियल स्टेट कौन सा है यहाँ पे, जीरो। तो जीरो आपका क्यू नॉट किस में आ जाएगा, इनिशियल स्टेट में जीरो आ गया। एंड फाइनल, फाइनल एक ही स्टेट है तो वन क्या है, फाइनल स्टेट है आपका वन। अब जो ट्रांजिशन डायग्राम है इसको हम ट्रांजिशन डायग्राम भी कर सकते हैं, इसको हम एक टेबल फॉर्म में भी कर सकते हैं। टेबल फॉर्म में अगर मुझे इसको करना है तो टेबल फॉर्म में हम कैसे कर सकते हैं, टू डायमेंशनल आपका एरे फॉर्म में होगा। इनपुट यहाँ पे होगा इनपुट, इनपुट सिंबल मतलब जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट इसमें कौन कौन से यूज हुए, ए और बी। स्टेट, स्टेट कौन कौन से, कितने स्टेट हुए, दो ही स्टेट हैं, जीरो और वन। ठीक है, टेबल कैसे ड्रा हो रहा है, जीरो से वन, जीरो से ए कहाँ गया, वन पे। ठीक है, जीरो से बी, जीरो से बी कहाँ पे जा रहा है, जीरो स्टेट पे ही जा रहा है। वन से ए, वन से ए किस पे आया, जीरो स्टेट पे। वन से बी किस पे आया, जीरो स्टेट पे। तो ये ट्रांजिशन टेबल हो गया। इस तरह से हम फाइनल ऑटोमेटा को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइनल ऑटोमेटा का रोल क्या है उसको समझ लीजिएगा। जब हम स्ट्रिंग मैचिंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको टेक्स्ट दिया होगा, एक पैटर्न दिया होगा, इसी पैटर्न को फाइंड आउट करना है किस में, टेक्स्ट में। तो सबसे पहला और बेसिक काम होता है कि इस पैटर्न का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना। अगर इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया तो नियरली आपका 80% काम हो चुका है, केवल 20% ईजिली हम जल्दी जल्दी से मैच करके देख लेंगे मैचिंग कहाँ हो रहा है। तो इसका जब फाइनाइट ऑटोमेटा हम बनाएंगे, दो कंसेप्ट वहाँ पे आता है, एक कंसेप्ट आता है प्रीफिक्स का और दूसरा आता है सफिक्स का। प्रीफिक्स सफिक्स का मीनिंग समझ लीजिएगा। अगर हम कोई पैटर्न लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, ए बी सी, ये हमने पैटर्न लिया कोई, इसका अगर मुझे प्रीफिक्स निकालना है, प्रीफिक्स मतलब कि हम सब स्ट्रिंग लेंगे इसका, इसी का, जैसे एक पैटर्न है, एक स्ट्रिंग इसको कर सकते हैं, इसका सब स्ट्रिंग लेंगे लेकिन लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से हम लेंगे। जैसे इसका प्रीफिक्स क्या हो सकता है, ओनली ए, ए इसका प्रीफिक्स हो सकता है। हम ए बी दोनों के एक साथ ले लें, ए भी इसका प्रीफिक्स हो गया। हम ए बी सी तीनों एक साथ ले लें, ए भी एक इसका सफिक्स प्रीफिक्स हो गया। हम ए बी सी डी यहाँ से ले लें, ए बी सी डी, ए भी क्या हो गया, इसका प्रीफिक्स हो गया। और ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इसी में सफिक्स देखना है तो हम स्टार्ट कहाँ करते हैं, राइट साइड से। राइट साइड मतलब सबसे पहले हम लेंगे सी, तो सफिक्स इसका सी हो सकता है। दूसरा ये दो करेक्टर मिला के बी और सी हो सकता है। फिर तीन करेक्टर मिला के ए बी सी हो सकता है। ऐसे ही फिर चार करेक्टर मिला के डी ए बी सी, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ए प्रीफिक्स हो जाएगा, ए सफिक्स हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम फाइनल ऑटोमेटा बनाएंगे तो वहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स के कंसेप्ट का यूज होगा। और यहाँ पे देखिए प्रीफिक्स और सफिक्स, अगर इसी दोनों में देखें तो कोई प्रीफिक्स और सफिक्स जो है अभी तक इसमें दिख रहा, कोई सेम मैच कर रहा, मीन्स प्रीफिक्स भी हो या सफिक्स हो ही हो। देखिए इसका प्रीफिक्स ए है, सफिक्स सी, मिसमैच है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी, मिसमैच है। लेकिन अगर इसको देखें ए बी सी, यहाँ भी क्या आ रहा है, ए बी सी, ए मैच कर रहा है। तो इस तरह का जो प्रीफिक्स सफिक्स जो मैचिंग होता है वहाँ पर डिसीजन होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने में। चलिए हम देखते हैं कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा उसका बनता है। हम किसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, पैटर्न का। हमेशा केवल पैटर्न का फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग पहले हम टेबल बना लेंगे, फिर टेबल से ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इस टेक्स्ट में हम ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे कि वो पैटर्न कहाँ पे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा। तो जो पैटर्न आपको दिया है, ध्यान दीजिए पैटर्न जो दिया होता है, सिंपली इसमें कितने नंबर आप सिंबल देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सात। तो हम जो स्टेट चलेंगे जीरो टू सेवन, ध्यान दीजिए अगर इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे कितने सेवन सिंबल यूज हुए ना, सेवन करेक्टर हैं। तो जीरो टू सेवन स्टेट बन जाएगा, मतलब एक स्टेट बन गया जीरो, एक बन जाएगा वन, एक टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन स्टेट बन जाएंगे। जो आपका लास्ट स्टेट होगा ये होगा फाइनल स्टेट, और जो आपका जीरो होगा यहाँ पे ये होगा इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब एक ही करेक्टर लेंगे, जीरो से वन क्या गया ए, ध्यान दीजिए जीरो से वन क्या गया ए, ए यहाँ पे ए आया। हर स्टेट से जब हम मशीन ड्रा करते हैं तो हर स्टेट से जितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, कौन कौन से अल्फाबेट यूज हुए हैं, अगर हम सिग्मा देखें, सिग्मा में यूज क्या हुआ, ए बी और सी, तीन सिंबल यूज हुए हैं।
तो हम तीनों पे देखेंगे, हर स्टेट पे हम पहले ए का देखते हैं। ए यहाँ से देखते हैं पहला सिंबल ए, तो ए मुझे पैटर्न में मैच कर रहा है क्या? देखिए पैटर्न में क्या है, ए मैच कर गया। मैच करते ही हम इसका ट्रांजिशन इस साइड कर लेंगे और आगे स्टेट वन पे। अब इससे हम बी भी देखेंगे, अगर इससे हम बी देखें, अगर इसका ट्रांजिशन बी से करते हैं तो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, पहला करेक्टर से मैच नहीं कर रहा है, तो उस टाइम और बी सिंगल है तो उसमें कोई भी उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, जीरो होगी। सी पे भी देखें, सी में भी वहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो कोई भी मैच नहीं करेंगे, और पहला करेक्टर ही है, केवल पहला करेक्टर है जिसके पहले कोई प्रीफिक्स नहीं लेंगे। क्योंकि अगर यहाँ से पहला करेक्टर हम बी लेते हैं, कि हम जैसे जीरो से अगर बी लें, तो बी का क्या है, एक ही सिंबल आ रहा है अभी ना, और वहाँ पर पहला सिंबल ये है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया तेज पे, अगर यहाँ से देखें तो हम यहाँ से भी तीनों सिंबल का चेक करेंगे। देखिए कैसे चेक करते हैं, क्योंकि आप एक बार बना लेंगे फाइनल ऑटोमेटा इसका, तो इजिली आगे प्रॉब्लम के लिए काफ़ी इजिली कर सकते हैं। अब देखिए ए से सिग्मा हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि सिग्मा हमको पता होना चाहिए क्या क्या है। सिग्मा ए बी सी तीन सिंबल यूज हुए हैं इसमें, तीन जो अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे पैटर्न में। पैटर्न बनने में देखिए या तो ए है, या तो बी है, या तो सी है। हम ए पे आ गए, ए से वन पे आ गए, वन से हम ए का ट्रांजिशन देखेंगे। वन से अगर ए का ट्रांजिशन देखते हैं तो ए का ट्रांजिशन देखते हैं मैच कर रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अगर वन से ए का ट्रांजिशन करते हैं, यहाँ से ए का ट्रांजिशन करेंगे तो क्या बनेगा, ए ए ए मिलेगा ना, ए एक तो ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ से ट्रांजिशन होगा, तो एक ए जब यहाँ से ट्रांजिशन होगा तो पैटर्न क्या मिला, ए ए। अगर ए ए देखें तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ए होगा, क्योंकि प्रीफिक्स में दोनों हम कभी नहीं लेते, दोनों तो खुद ही एक स्ट्रिंग है, तो प्रीफिक्स नहीं होगा उसका, क्योंकि ये स्ट्रिंग टोटल स्ट्रिंग क्या हुआ, यहाँ से अगर हम ए ट्रांजिशन लेते हैं, सपोज ए ट्रांजिशन लिए, तो सिंबल क्या हुआ, ए ए दो सिंबल आए ना, तो अगर हम यहाँ पे ए ए लेते हैं तो इसमें से प्रीफिक्स, एक तो ए प्रीफिक्स हो गया, एक को ले सकते हैं हम, प्रीफिक्स हो गया आपका ए, और इसका सफिक्स देखें तो सफिक्स भी क्या है, ए ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है और एक ही है ए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, वन हो जाएगी, मतलब कि इसका ए के साथ खुद पे लूप लग जाएगा वन का। अब दूसरा बी से देखिए, अगर यहाँ से हम बी लेते हैं तो बी सिंबल क्या मैच कर रहा है, देखिए दूसरा करेक्टर, मतलब पहला तो ये हो गया, दूसरा करेक्टर क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, बी मैच कर रहा है, मैच कर रहा मतलब स्टेट चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। अगर सी के लिए देखें, अगर यहाँ से हम वन से सी के स्टेट देखें तो क्या बनेगा, ए और सी, यहाँ से ए और यहाँ से सी का अगर मूवमेंट देखें तो ए सी बनेगा। तो इसमें देखिए क्या ए है और सी, अगर इसका प्रीफिक्स देखें तो ए, सफिक्स देखें तो क्या हो रहा है, सी, दोनों क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहे हैं, मतलब कि कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, तो यहाँ से सी का कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ से टू पे हम आ गए, टू से देखते हैं अगर तो पहले ए का देखेंगे, मतलब अगर यहाँ से हम ए का ट्रांजिशन देखते हैं तो बनेगा ए बी ए, यही बनेगा ना, ए बी ए। लेकिन हम जब ए आया पहले, तो यहाँ से पहले मैच कर लीजिए पैटर्न में, पैटर्न में क्या मैच कर रहा है क्या, देखिए ए बी ए, यही है ए बी ए, यहाँ पे तीसरा सिंबल क्या था, ए मैच कर गया, मैच कर गया, तो हम इसको स्टेट चेंज कर लेंगे, यहाँ से यहाँ आ गया ए, क्लियर है। अब यहाँ से हम बी देखें, अगर यहाँ से बी का ट्रांजिशन होता तो क्या बनता, ए बी बी बनता, ए बी बी बनता, और इसमें सफिक्स प्रीफिक्स कोई मैच नहीं करता, मतलब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा, कैसे कोई सफिक्स नहीं, देखिए प्रीफिक्स क्या मिलता है इसका, ए मिलता प्रीफिक्स और ए बी मिलता, सफिक्स इसका क्या मिलता, बी मिलता और बी बी मिलता, बी मिलता और बी बी मिलता, और कोई इसमें मैच करता, मैच नहीं करता, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ते, तो यहाँ पे कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। सी का भी इसी तरह से देखें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ भी कोई नहीं मिलेगा, तो सी का भी ट्रांजिशन यहाँ से कोई नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, अब अगला करेक्टर देखें, यहाँ पे ए बी ए, अगर नेक्स्ट करेक्टर आ जाए, नेक्स्ट करेक्टर अगर बी आ जाए, जैसे यहाँ बी है, नेक्स्ट करेक्टर बी आता है तो बी पे हम क्या करेंगे, स्टेट चेंज कर लेंगे, क्या आ गया। लेकिन अगर यहाँ से ए आए या सी आए, ये भी दोनों आ सकते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, अगर ए आता देखिए क्या बनेगा, ए बी ए ए, ए बनेगा ए बी ए ए, इस ए के केस में। अब इस केस में देखिए कोई प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, यहाँ पे ए है और इस साइड से भी ए है, इधर से बी है, इधर से ए है, तो एक ए तो मैच कर रहा है, अगर हम इसको देखें, एक प्रीफिक्स ए और एक सफिक्स ए मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा, तो ए सिंबल है, ए की वैल्यू मतलब वन, कितने वन ही ना, वन ए एक टाइम है तो वन हो गया, तो वन हो गया मतलब यहाँ से वन पे आ जाएगा सिंबल ए,
ठीक है, एफ सी के चेक कीजिए। अगर सी लेते हैं हम तो सी लेंगे तो क्या होगा, ए बी ए सी, ए बी ए सी। देखिए कोई प्रीफिक्स सफिक्स बनता है, यहाँ पे ए है इधर सी है बी है, नहीं कोई नहीं बनेगा, तो यहाँ से सी का कोई ट्रांजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम यहाँ पे फोर पे हैं और फोर से नेक्स्ट करेक्टर मुझे मिल जाए ए, ए मिल जाए, ए मिलते ही देखिए यहाँ पे ए मैच कर रहा है जब पांचवा करेक्टर, क्योंकि यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव पांचवा करेक्टर ए आ रहा है, यहाँ पे पांचवा वन टू थ्री फोर फाइव पांचवा करेक्टर क्या है ए, यहाँ पे ए आया तो मैच किया, मैंने स्टेट चेंज कर लिया, फाइव पे आ गया। अब यहाँ से बी आ सकता है और सी आ सकता है, अगर बी आता है तो और सी आता तो क्या होगा उसको हम देखते हैं। बी आएगा, पहले बी के केस में देख लेते हैं, तो ए बी ए बी बी, ए बी ए बी बी, ए बनेगा ना ए बी ए बी बी, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स, ए है इधर बी, इधर बी, इधर से बी बी हो जाएगा, ए बी बी बी, कोई नहीं मैच करेगा, मतलब बी का कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। सी का देखिए, सी का देखें तो ए बी ए बी सी, ए बी ए बी सी, यहाँ पर देखिए ए इधर सी, ए बी इधर बी सी, कोई मैच नहीं करेगा, ए बी ए बी ए बी सी, कोई मैच नहीं करेगा प्रीफिक्स सफिक्स, तो सी का भी कोई ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब यहाँ से फाइव पे आ गए, फाइव से अगर नेक्स्ट करेक्टर आ जाए आपका सी, फाइव से अगर नेक्स्ट करेक्टर ए बी सी कोई आ सकता है, हम सी ले रहे हैं ताकि हमारा वहाँ मैच कर जाए, सी लेते हैं तो सी पे देखिए मैच किया, यहाँ पे सिक्स करेक्टर सी से यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ से अभी ए और बी भी चेक करना बाकी रह गया, क्योंकि हर स्टेट से हम तीनों को चेक करेंगे, तीनों सिंबल को। अगर ए को चेक करते हैं तो देखिए क्या बनता है, ए बी ए बी ए ए, ए बी ए बी ए ए, यहाँ तक बना। अब देखिए यहाँ पे कोई प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, यहाँ पे अगर ए देखें सिंगल है, इधर सिंगल है, प्रीफिक्स हो गया सफिक्स हो गया, अगर इन दोनों को ए बी लेते हैं, इधर से दो लेते हैं तो मैच नहीं किया, इधर से तीन लेते हैं, इधर से तीन लेके तो भी मैच नहीं किया, एक एक मैच कर रहा है ए और ए, ठीक है। तो सिंगल ए है मतलब कि वन, तो यहाँ से ट्रांजिशन जो हो जाएगा, यहाँ से जो ट्रांजिशन हो जाएगा फाइव से, फाइव से ए के केस में ट्रांजिशन हो जाएगा किस पे, वन पे, और बी के केस में मैच कर लीजिए, क्योंकि बी के केस में भी चेक करना है, जब बी के केस में देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए, और इसके बाद अगर बी देखते हैं तो क्या बनेगा, देखिए तो मैच नहीं कर रहा, इधर बी है, इन दोनों एक साथ यहाँ पे दोनों से मैच कर रहा है, ये तीनों, इन तीनों मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम ए चार लें और ए चार लें तो प्रीफिक्स सफिक्स देखिए मैच कर रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी मैच कर रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी है, चार, चार लेंथ है, मतलब यहाँ से फाइव से बी अगर देखें तो बी पे कहाँ जाएगा, फोर पे जाएगा, ये चार यही बता रहा है स्टेट फोर, ठीक है। अब हम आ गए सिक्स पे, सिक्स से अगर मुझे सिंबल ए मिल जाए तो सिक्स ए सिंबल मिलते ही हम देखिए आपके यहाँ पे मैच करेगा, इसमें मैच किया, मैच किया मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए सेवन पे, और सिक्स से अगर बी देखें तो सिक्स से बी और सी दो और चेक करना रह गया, क्योंकि बी चेक करेंगे और सी चेक करेंगे, तो बी पे जाएगा तो क्या बनेगा, ए बी लिखते चलिए यहाँ पे, ए बी ए बी ए सी बी, ए सी बी, देखिए कुछ बनता है यहाँ पे प्रीफिक्स सफिक्स सेम बनता है, ए इधर सी है, ए बी इधर सी है, यहाँ पे कोई नहीं बनेगा, तो बी के टाइम तो कोई नहीं बनेगा, सी पे देखें मतलब सी हम यहाँ पे लेते हैं तो सी सी हो जाएगा, इधर ए बी इधर ए बी कोई नहीं मैच करेगा, यहाँ भी कोई नहीं बनेगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे इस पर सेवन्थ पे। अब सेवन से देखिए, सेवन से तीनों चेक करना होगा आपको, ए भी चेक करना है, बी भी चेक करना है और सी भी, तीनों चेक करना होगा, ठीक है। अब आगे करेक्टर कोई नहीं है, मतलब ये इंड है, फाइनल स्टेट है, लेकिन हम चेक करेंगे, चेक करते टाइम देखेंगे क्या कहीं पर ट्रांजिशन हो रहा है, पॉसिबल है, तो चेक करते टाइम कैसे लेंगे, आप स्ट्रिंग फाइंड आउट कीजिए, वही ए बी ए बी ए बी ए सी ए, और यहाँ से पहले हम लेते हैं ए, अगर पहले ए लेते हैं इस वाले को तो ए देखते हैं क्या आता है प्रीफिक्स सफिक्स, यहाँ पे ए है इधर ए है, ठीक है, ए बी इधर दो का नहीं मैच करेगा, तीन इधर तीन मैच नहीं करेगा, इधर चार मैच नहीं करेगा, एक ही मैच कर रहा केवल,
कौन मैच कर रहा है, ए, इधर से ए, इधर से ए, तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ सिंबल, केवल वन ही तो है, वन है, तो वहाँ से ट्रांजिशन किस पे आ जाएगा, वन पे, इसके साथ ए के साथ। बी का चेक कीजिए, अगर हम बी लेते हैं तो ए बी ए बी ए सी ए बी, अगर हम बी लेते हैं देन क्या होगा, देखिए बी लेते हैं तो क्या होगा, ए बी यहाँ पे, ए बी यहाँ मैच कर रहा है, ए बी ए यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ए बी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, दो मैच कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ए बी और ए बी प्रीफिक्स सफिक्स मैच कर रहा है, तो जब फोरा दिशा में कितने सिंबल है, दो हैं, दो सिंबल है, तो यहाँ से बी के साथ स्टेट टू पे जाएगा, बी के साथ किस पे जाएगा, स्टेट टू पे, ठीक है। ऐसे सी के लिए चेक कीजिए, सी के लिए चेक करें तो क्या हो जाएगा, ए बी ए बी ए सी ए सी, देखिए यहाँ पे कोई ए इधर सी है, बी मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, कोई भी मैच नहीं करेगा, मतलब सी के लिए कहीं पे नहीं जाएगा। तो आपका ये क्या बन गया, ये फाइनाइट ऑटोमेटा आपका बन गया। जब फाइनाइट ऑटोमेटा मिल गया तो इसी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांजिशन टेबल में, तो जल्दी से हम ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर लिया, इसी ट्रांजिशन डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम स्टेट फोर से अगर देखें, तो स्टेट फोर हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टेट फोर से ए सिंबल, देखिए ए से स्टेट किस पे आ रहा, फाइव पे, अगर फोर से हम बी पे देखें तो बी पे बी सिंबल कहीं नहीं जा रहा है, जब कहीं सिंबल नहीं जा रहा तो उस केस में हम जीरो लिखेंगे यहाँ पे टेबल में, और फोर से अगर सी देखें तो सी भी कहीं नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पे जीरो लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम टू से देख लें, सपोज स्टेट टू से देखें, तो स्टेट टू से ए सिंबल, ए किस पे जा रहा है, स्टेट थ्री पे, और टू से बी कहीं नहीं जा रहा मतलब जीरो, टू से सी कहीं नहीं जा रहा मतलब जीरो, ठीक है। अगर कहीं पर ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो उस टाइम हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जीरो लिखते चलेंगे। ऐसे ही अगर हम फाइव से देख लें, फाइव देखें तो ए पे कहाँ जा रहा है, देखिए ए पे ट्रांजिशन किस पर, वन पे, तो फाइव से ए, फाइव से ए पे देखिए कहाँ जा रहा है, वन पे, और फाइव से बी देखें तो फाइव से बी किस पे जा रहा है, फोर पे, तो फाइव से बी किस पे जा रहा है, बी इनपुट पे फोर जा रहा है। ऐसे फाइव से सी देखें, सी पे किस पे जा रहा है, सिक्स पे। तो ऐसे ही पूरा ट्रांजिशन इस टेबल को, इस ट्रांजिशन डायग्राम को हमने ट्रांजिशन टेबल में कन्वर्ट कर लिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे जीरो शो कर रहा है, मतलब यहाँ से कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब टू से बी का कोई ट्रांजिशन नहीं है इसलिए जीरो है यहाँ पे, वन से सी का कोई ट्रांजिशन नहीं इसलिए यहाँ पे क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब आप क्लैरिफाई करते चलिएगा, क्लियर है अब यहाँ पे। अब आगे चलते हैं हम, ये टेबल हो गया, ये आपको पैटर्न दिया हुआ है, ये आपका टेक्स्ट दिया हुआ है जिसमें हमको फाइंड आउट करना है पैटर्न मैच, कैसे करेंगे इसको देखिएगा। अब एल्गोरिथम का यूज यहाँ पे हो जाएगा, जो एल्गोरिथम यहाँ पे दिया हुआ है, इस एल्गोरिथम में अगर देखें तो सिंपली इनपुट क्या ले रहा है, एक तो टेक्स्ट लेगा, टेक्स्ट आपका इनपुट हो गया, ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन जो टेबल है, ट्रांजिशन टेबल इनपुट लिया, और एम, एम मीन्स जो आपका पैटर्न साइज है, पैटर्न साइज जैसे कितना, सेवन, तो सेवन एक इनपुट लिया कि सेवन हमारा एम साइज है। अब यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हमने इसलिए लिख दिया है। एन इक्वल टू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी, एन हो जाएगी वो। क्यू इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू हम जीरो लेके चलेंगे, मतलब कि अब देखिए हम यहाँ पे क्यू मीन्स स्टेट से बात कर रहा है यहाँ पे, तो स्टेट लेके चलेंगे यहाँ पे, स्टेट जीरो, ठीक है। नेक्स्ट फार आई इक्वल टू वन टू एन, वन टू एन मतलब कि एन क्या है, लेंथ है टेक्स्ट का, तो इसका हम वन टू एन नंबरिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन, हमने इसकी नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब देखिए जब लूप में हम आए, आई इक्वल टू वन टू एन, यहाँ से लूप चलेगा वन टू लेके एन तक लूप चलेगा, यहाँ पे, यहाँ पे क्यू की वैल्यू से अपडेट करेगा, क्यू की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब हमारा मशीन क्या है, इनिशियल स्टेट पे है ना, अभी हम इनिशियल स्टेट पे हैं इसलिए स्टेट जीरो लेके चल रहे हैं। जीरो से ए आया, जब देखें ध्यान दीजिए, जीरो से जब पहला करेक्टर आया ए, क्योंकि यहाँ पे ही मैप कर रहा है, क्यू में ट्रांजिशन देखेगा, क्यू टी आई मतलब वन, वन वाई लोकेशन पे, इसका लोकेशन वन पे ए है ना, तो जीरो से ए पे देखिए क्या हो रहा है, जीरो से ए पे किस पे पहुंच रहा है, वन पे, यहाँ पे आ गया। अब वन आ गया तो ये अपडेट हो गया, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू अपडेट होकर वन हो गया। वन से बी देखिए, वन से बी सिंबल किस पे जा रहा है, टू पे, और टू, अब टू हो गया, टू से ए देखिए, टू से ए किस पे जा रहा है, थ्री पे, थ्री से बी
यहाँ बी सिंबल आ रहा है, थ्री से बी किस पे आ रहा है, फोर पे, फोर से ए, फोर से ए देखिए किस पे आ रहा है, फाइव पे, फाइव से बी, यहां बी सिंबल है ना, फाइव से बी किस पे जा रहा है, अगेन फोर पे आ रहा है, फोर से, अब देखिए फोर से ए, फोर से ए, फोर स्टेट यहां ना, फोर से ए किस पे जाएगा, फाइव पे, यहां पे हमने फाइव लिख दिया, फाइव से सी, फाइव से सी किस पे जा रहा है, देखिए फाइव से सी किस पे जा रहा है, सिक्स पे, तो यहां पर हमने सिक्स ले लिया, सिक्स से ए, सिक्स से ए देखिए तो किस पे आ रहा है, सेवन आ रहा है, तो सिक्स से ए सेवन आया, सेवन आते ही देखिए जैसे सेवन आएगा ये कंडीशन ट्रू कर जाएगा, क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा सेवन, ठीक है, और एम की वैल्यू हमारा कितना था इनपुट में, इनपुट लेते हैं एम की वैल्यू ये सेवन तो हमने दिया था, जैसे ही यहाँ पे इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी करते ही आपको आउटपुट क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू शिफ्ट आई माइनस सेम, आई की वैल्यू क्या देखिए, इस टाइम जब यहाँ पे सेवन आया तो इस टाइम आई का लोकेशन वन टू थ्री यही चल रहा था ना, आई की वैल्यू कितनी है नाइन, तो नाइन, नाइन माइनस सेवन मतलब नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू, तो टू शिफ्ट के साथ मतलब हम कह सकते हैं अगर टू प्लेस हम शिफ्ट करें, टू प्लेस शिफ्ट करने के बाद आपको पैटर्न मैच कर गया, वो देख भी सकते हैं आपको, अगर ये पूरा पैटर्न हम देखें तो टू शिफ्ट मतलब यहाँ से काउंट करें, देखिए ए बी ए बी ए सी ए यहाँ पे मैच कर गया, तो टू शिफ्ट के साथ हमको क्या मिला, मैच एक मिल गया, आगे काउंट कर लें तो यहाँ पे सेवन से बी, सेवन से बी कितना आ जाएगा, सेवन से बी क्या है टू, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, और टू से ए, टू से ए सिंबल, टू से ए सिंबल कितना आ रहा है थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा थ्री, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आप बीजी वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, तो होप सो कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, आज के लेक्चर में यही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एल्गोरिथम जो हमारा है काफ़ी इंपॉर्टेंट, KMP एल्गोरिथम, उसकी बात करेंगे।